श्रीनगर सर, जो हरियाणा में एक आग लगाने की नापाक कोशिश की गई, वो मॉडल चला नहीं, कुछ एक दो जिलों में सीमित होकर रह गया। आज दिन भर से वैसे वो गोदी मीडिया के चैनल फिर उस आग को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चला नहीं। जाट खाप पंचायतें, बाकी लोगों से कहा गया आप हमारे साथ आइए, लेकिन उन लोगों ने नकार दिया। शिवकर सर, आपने देश के बहुत सारे चुनाव देखे, आपातकाल से लेकर और बाकी लोकतांत्रिक चुनाव देखे हैं, क्या अब विकास की जगह हरियाणा मॉडल, वो हिंसा वाला मॉडल, भाजपा विकास को सामने रखेगी या फिर हरियाणा मॉडल को रखेगी सामने? और रखेगी अगर, तो क्या लगता है आपको जनमानस इस बार किन किन मुद्दों पे वोट करेगा, हरियाणा मॉडल पे या फिर विकास मॉडल पर? संजय जी, हरियाणा मॉडल नाम की कोई चीज है नहीं। ये हम लोगों के दिमाग में है कि कोई हरियाणा मॉडल है। हमको लगता है कि ये जो हरियाणा में हो रहा है वो देश को प्रभावित करेगा। मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठा हूँ, मध्य प्रदेश में। यहाँ कोई हरियाणा की बात नहीं करता है, यहाँ पे नू की भी कोई बात नहीं हो रही है। जो असर है वो मुजफ्फरनगर का है, मतलब जो बातचीत है वो मुजफ्फरनगर की है। देखिए, मैं केवल दो चीजें बोलता हूँ संजय जी, क्योंकि मैंने कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो ज्वाइन नहीं कर पाया। जी सर, मैं अभी कहीं चर्चा कर रहा था, दो चर्चाएं मैंने की। एक तो ये चर्चा की कि ये मुजफ्फरनगर में ये घटना हुई, अभी 4 दिन पहले मेहसाणा में भी घटना हुई, उसके पहले ये रेल की रेलगाड़ी में सुपर फास्ट में हुई। देश में 25 करोड़ मुसलमान हैं। इन घटनाओं का विरोध कौन कर रहा है? इन घटनाओं के खिलाफ आवाज जो उठ रही है वो समाज के किस कोने से उठ रही है? क्या वो जो बच्चा है मुजफ्फरनगर का, वो पसमांदा कम्युनिटी का है? ये जो सरकार है वो पसमांदा लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहती है? क्या देश के 25 करोड़ मुसलमानों में 1 करोड़ या 1 लाख या 1,000 मुसलमान भी नहीं है जो इन घटनाओं का के खिलाफ आवाज उठाएं, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से? इनके खिलाफ आवाज कौन उठा रहा है? आदिवासियों, दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, तो बातचीत कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। विधानसभाओं में, संसद में और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में जो आदिवासियों के, मुस्लिमों के नेता हैं, या वो कौन क्यों नहीं बात कर रहे हैं, इसको चर्चा में क्यों नहीं ला रहे? मुजफ्फरनगर में घटना हुई, किसान नेता टिकैत साहब ने क्या किया? उन्होंने क्या किया? गले मिलवा दिया दोनों बच्चों को। पहलवानों के मामले में क्या किया टिकैत साहब ने? पहलवान बच्चियों के मामले में क्या किया टिकैत साहब ने? खाप पंचायतों ने क्या किया? मेरा ये कहना है कि ये हम लोग जो बात करते हैं, बहस करते हैं, आलोचना करते हैं, वो अपनी जगह ठीक है, करना भी चाहिए। लोग पूछेंगे अब आगे चल के कि आप क्या कर रहे थे,
आप क्या आप कहाँ बैठे हुए थे? अच्छा, ये बड़ा आसान है जो आम तौर से चल रहा है, हो रहा है। मैं भी गिना सकता हूँ, 50 घटनाएं गिना सकता हूँ क्या हो रहा है देश में। हम उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं जिन लोगों को, जो लोग मुसलमान नेता जो हैं वो आरएसएस के लोगों से बातचीत कर रहे हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे पिछले, वो हैं नजीब जंग हैं, ये तमाम लोग हैं, ये बातचीत करते हैं मुसलमानों के हितों के। इनको किसने अधिकार दिया है? अगर कल से ये आरोप लगे कि टिकैत साहब मिल गए हैं सरकार से, तो उसका जवाब हमको किससे मांगना चाहिए? कौन देगा? लोग पूछेंगे, जवाब तो पूछेंगे आगे चल के, अभी चुनाव में पूछेंगे, उसके बाद पूछेंगे। आप आज वो जो बच्चा है पीड़ित, तो उसका परिवार कह रहा है कि नहीं, हमको नहीं पढ़ना, चक्कर में बच्चा भी डरा हुआ है, वो जिस आदमी ने वीडियो बनाया वो भी मना कर रहा है। आपने बात की क्या इस चीज को जोड़कर कि 2013 में मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? आपने बात की क्या 2016 में मुजफ्फरनगर से 50 किलोमीटर दूर कैराना में क्या हुआ था? आपने बात की क्या कि मुजफ्फरनगर के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जो हैं, सांसद जो हैं, उनकी क्या भूमिका है? ये जो हम लोग, एक शायद अगर ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, जो हम लोग मान के चल रहे हैं कि 2024 में तो मोदी जी का पत्ता साफ हो जाएगा। हमारी डिबेट्स का विषय ही यही है कि पत्ता साफ होने वाला है। मेरा कहना दूसरा है। मेरा कहना यह है कि आप विचारों के आधार पर पत्ता साफ कैसे करेंगे? सीटों के आधार पर आप कर देंगे, विचारों के आधार पर, या जिस तरह का बहुसंख्यकवाद चल रहा है उसके बारे में क्या आपका कहना है? उन लोगों का क्या कहना है जो सार्वजनिक जीवन में, जिनकी बड़ी बड़ी भूमिकाएं हैं? मैं मीडिया की बात नहीं करता, मीडिया तो आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, बिक गया है पूरा का पूरा मीडिया। पर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो, जिनसे लोग अपेक्षा करते हैं कि वो उनका नेतृत्व करेंगे। तो ये हरियाणा का जो मामला है वो इसलिए ज्यादा गंभीर है कि जो बात क्या कही गई, मैं सुन रहा था, बात ये कही गई ना कि वो जो दूसरा पक्ष था उसने अपना रेस्ट्रेंट दिखाया, ये कहा गया ना। हम यही तो कह रहे हैं कि वो उन्होंने रेस्ट्रेंट दिखाया। हमने ये थोड़ी कहा कि हम लोगों ने ये कोशिश की कि जो आक्रामक तरीके से जुलूस निकालना चाहते थे उनको हमने नहीं निकालने दिया।
ये जो चल रहा है संजय जी, ये ज्यादा खतरनाक है। चुनाव की हार जीत को मैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि सुनिलन जी, मुझे बोलने दीजिए आप पहले। आपको बोलना है ना, आप बाद में बोलिए। मैं जानता हूं आपको बोलना है, आप बोलिएगा, खूब बोलिएगा। मैं कनेक्ट नहीं हुआ था, तब आपको सुन रहा था मैं पूरी तरह से। तो आपको बोलना है ना, आप बोल लीजिएगा। और या आप कहें तो मैं बंद कर दूं, आप बोल लीजिए। संजय जी, सुनीलम जी को सुन लेते हैं पहले। आप बोल लीजिए सर सुनील जी, उसके बाद हम चलेंगे। आप बात पूरी कर लीजिए, आप बात पूरी कर लीजिए, फिर सुनील जी सुनेंगे। आप बात कर लीजिए। ये जो घटनाएं हैं, ये स्थायी रूप से जो समाज पर असर डाल रही हैं, वो ज्यादा खतरनाक है। आप 2024 में हरा देंगे और 3 साल बाद, 2 साल बाद ये लोग फिर आ जाएंगे। या 2029 में फिर आ जाएंगे, तब इस देश का क्या होगा? हम तात्कालिक नतीजों में पड़े हुए हैं। विपक्ष की जो राजनीति है, वो कितने लोग कर रहे हैं इस देश में? संजय शर्मा, बताएं हमको कि राहुल गांधी जिस तरह से सड़कों पर हैं, वो बता दें, संजय शर्मा बता दें या और कोई बता दें कि कितने विपक्ष के नेता सड़कों पर हैं। कितने लोग एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। हम लोग संजय जी बहुत, एक मैंने क्या 4-5 बार कट गया आपका, 6 बार, उसके बाद फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा अपनी बात तो कहना चाहिए, तो मैं जुड़ गया, क्योंकि मैं सुन तो रहा था सबको। मैंने राकेश पाठक जी को भी सुना, सुनीलम जी को भी सुना, और ये हमारे इनको भी सुना, पुष्पेंद्र जी को भी। तो सुन चुका हूं, पर जो मैं कह रहा हूं उसका मैंने किसी से जवाब नहीं सुना। कि जो मैंने कहा उसके बारे में किसी ने कहा हो, ये नहीं सुना मैंने। अगर सुन लिया होता तो मैं ये मुद्दे नहीं उठाता। ये जो घटना है नूह की और मुजफ्फरनगर की, ये होना ही नहीं चाहिए। अगर वहां से किसान आंदोलन का जन्म हुआ है, तो ये पहलवान बेटियों के साथ इस तरह की घटना ही नहीं होना चाहिए। अगर 700 किसानों ने अपनी शहादत दी है, ठीक कह रहे हैं। आप क्या डिबेट करेंगे? अगर 2024 के परिणाम अगर विपरीत आ गए, ठीक बात है। तो 4 PM पर डिबेट में हम लोग क्या बहस करने वाले हैं? उस बहस के विषय अभी से तय कर लेना चाहिए अपने को कि उसमें क्या बात करेंगे।
और क्या विश्लेषण करेंगे और क्या कारण गिनाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक गंभीर चुनौती है और उस चुनौती को मैं कोई सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास वो सॉल्यूशन है नहीं, होता तो बता देता मैं। ठीक बात कह रहे हैं सर आप, पर मैं अपनी चिंता जरूर बता रहा हूं और मैं जो चल रहा है वो नहीं बता रहा हूं, वो तो मैं बता सकता हूं, रोज लिखता भी हूं उसके बारे में। मैं जो हो रहा होने वाला है परिणाम वो बता रहा हूं कि आगे चल के हमको किन स्थितियों में जाना पड़ सकता वो बता रहा हूं मैं।